बकरी और चट्टान, तिब्बत की लोक कथा। एक दिन सुबह सुबह एक दूध बेचने वाले ने अपना रोज का काम शुरू किया। अपनी गायों को दुहा और पास के शहर में दूध बेचने जाने के लिए तैयार हो गया। दोपहर होने पर उसने अपना आधा बचा दूध से भरा घड़ा चट्टान के ऊपर समतल जगह पर सावधानी से रख दिया। फिर कुछ रोटी व पनीर निकाल चट्टान की छाया में बैठकर खाने लगा। अचानक उसने एक जोर की हे लो आवाज सुनी। ऊपर देखा तो एक बकरी वाला बहुत सारी बकरियों के झुंड के साथ चला आ रहा था। उसकी जोर की आवाज ने सबसे आगे चलती बकरी को चौंका दिया। वह एकाएक चट्टान पर कूदी और दूध वाले के घड़ों को नीचे गिरा डाला। घड़े धम से नीचे गिरे और चूर चूर हो गए। दूध वाला आग बबूला हो गया। ओहो, तुमने मेरा सारा दूध बर्बाद कर डाला। अब तुम्हें मेरे घड़ों और दूध का पूरा दाम देना होगा। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, यह तो बकरी की गलती है, बकरी वाला बोला। दोनों लड़ते झगड़ते रहे। अंत में दोनों कचहरी जाने के लिए तैयार हो गए। न्यायालय के अनुभवी न्यायाधीश ने दोनों की बातें सुनी और बोले, यह तो साफ है कि दूध वाला बिना किसी कसूर के अपना घड़ा वह दूध खो बैठा। अब वह दूध कैसे बेचेगा? लेकिन इसमें दोष बकरी वाले का भी नहीं। यदि बकरी वाला अपनी बकरियां बेचकर इस नुकसान के पैसे चुकाता है, तब तो उसकी रोजी रोटी सब खत्म हो जाएगी। इसमें तो केवल बकरी व चट्टान का दोष है। बकरी को गिरफ्तार कर कचहरी में लाया जाए। मैं कल 12 बजे चट्टान और बकरी दोनों को सजा दूंगा। शहर भर में यह बात फैल गई। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। अगले दिन कचहरी में लोगों की खचाखच भीड़ को देख न्यायाधीश खुश हो गए। उन्होंने जमा हुए लोगों से कहा, आप सब लोग एक बकरी और चट्टान का मुकदमा देखने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। आप लोग भी यही सोचते होंगे कि मैं बकरी और चट्टान का मुकदमा कैसे चला सकता हूँ। मैं झक्की हूँ। मैं कुछ बेवकूफी की बातें कहूँ या करूँ, इसलिए आप लोग यहाँ आए हैं। मैं तो समझता था कि आप सब मुझे अच्छी तरह जानते पहचानते हैं। आप लोग मुझे कैसे इतना मूर्ख व झक्की समझ सकते हैं और मेरे बारे में इतने बुरे बुरे विचार मन में ला सकते हैं, अपने न्यायाधीश के बारे में। इसलिए आप सबको एक एक रुपया जुर्माना भरना होगा। न्यायाधीश की बातें सुन सब लोग ठहाका मारकर हंस पड़े। उन्होंने पहरेदारों को खुशी खुशी यह छोटा सा जुर्माना दे दिया। न्यायाधीश ने सब रुपए दूध वाले को दे दिए। बकरी वाला और दूध वाला एक दूसरे को देख देख कर मुस्कराए और फिर से मित्र बन गए।